स्पिरिचुअलिटी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनकम मंडल संतोष शर्मा। आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में। यदि आप विशाखा नक्षत्र के आप खुद हैं तो अपने बारे में जानें। अपने बारे में कई बार हमको लगता है हम जानते हैं लेकिन अपने बारे में जानते नहीं है, और दूसरों के बारे में जानने की क्लेम करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। जो कि आपकी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है उसको जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके उपाय हैं। यदि आपके पति विशाखा नक्षत्र का है, आपका बॉस विशाखा नक्षत्र का है, आपके आपका बेटा विशाखा नक्षत्र का है, हमको लगता है कि मेरे पति मैं जानती हूँ और बॉस मैं जानती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आप नहीं समझ पाते हैं। विशाखा नक्षत्र के बारे में यदि आपको बता दूं मैं और आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति विशाखा नक्षत्र का है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसको समझने के लिए। ये हम जो मेरी किताब है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष किताब जो है, इस किताब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये किताब अमेज़न में उपलब्ध है, आप इसको खरीद सकते हैं। जैसे इस मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनका क्या होता है कि ये तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ हाई ऑर्डर मैं बोल सकता हूँ, और इनके में बहुत उत्साह, विगर और वाइटलिटी बहुत भरा हुआ होता है, बड़ा उत्साह इनमें होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे सिचुएशंस में इनका माइंड कंफ्यूज हो जाता है एंड दे लैक प्योरिटी इन देयर थॉट्स, कॉन्टामिनेटेड थॉट्स हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। घर वालों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो शॉर्ट टेम्पर्ड होने से क्या है, उनका गुस्सा बार बार एकदम उफनता रहता है और फूट पड़ते हैं, तो जो भी शांति घर में होती है उसको नष्ट कर डालते हैं। प्यारे बहुत करते हैं लेकिन झगड़ा बहुत करते हैं, ये बहुत विचित्र सिचुएशन का होता है। और इनका जो होता है कि आगे की तरफ सोचते हैं, डॉगमेटिक नहीं होते, प्रोग्रेसिव थिंकिंग की बातें होती है, मॉडर्न थिंकिंग की बात लेके आते हैं ये लोग, इस पर से काम करते हैं। और ये जो सुपरस्टिशंस हैं या रिलीजियस डॉगमास हैं, इनसे ये दूर रहते हैं, और उनको ये विश्वास है कि सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा परम धर्म है, किसी को वायलेंस नहीं करते हैं, गुस्सेबाज तो हैं लेकिन वायलेंट एक्ट में ये लोग रत नहीं होते हैं, और ये किसी को धोखा भी देते नहीं है। दे नेवर चीट एनीबॉडी, और ये क्या करते हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ को मेंटेन करते हैं, इसका मतलब सत्यवादी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं। और इनका जो होता है जो अथॉरिटी होते हैं, जैसे पिता के साथ में या घर में डोमिनेटिंग मदर हो तो उनके साथ में जो भी अथॉरिटी इनके ऊपर में होगा उनसे इनका विरोध होगा, स्पेशली विद फादर। फादर सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ये अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और ये अपने माँ से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कंपेयर टू फादर। अब हम बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स दो जुड़ा और विशाखा नक्षत्र वो किस प्रकार से होते हैं। यदि आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपके कोई दोस्त हो लड़की जिसका विशाखा नक्षत्र है, उसके बारे में ये जानने से आपको फायदा होगा। पहली बात तो है कि ये बहुत दयालु होती है और प्योर हार्टेड होती है, दिल के बहुत साफ होते हैं और सिंपल भी होते हैं। दिखने में बहुत फ्रजाइल लगती है, ये लगता है आपको वीक है, लेकिन बहुत स्टेमिना होता है और बहुत परसिवरेंस होता है अंदर में, मतलब दे कैन फाइट द सिचुएशन दो दे लुक वेरी फ्रजाइल एंड वीक। उसके बाद में ये जैसे विशाखा नक्षत्र के पुरुष में थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होता है, लेकिन लड़की होने से विशाखा नक्षत्र में क्लैरिटी काफी आती है। दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड एंड देयर डिपेंडेंट, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, डिपेंडेबल होते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं, पोएम वगैरह लिखने में, कविता लिखने में ये बहुत माहिर होती हैं। और इनका जो पारिवारिक जीवन होता है, मैरिटल लाइफ होता है, बहुत अच्छा होता है, और इन लोगों के साथ में ये बहुत अच्छे से बटकर रहती है। तो ये सब होगा संक्षेप में विशाखा नक्षत्र के बारे में। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर लॉग इन करें www.wild.spirituality। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विनकम मंडल संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।